नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दिनारा कस्बे में चल रहे गुप्तेश्वर महादेव मेला में विशाल दंगल का शुभारंभ पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किया। पूर्व मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में मेला एक दूसरे से मिलने का एकमात्र साधन है। ऐसे आयोजन हमें एकता और में बांधने और एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए ऐसे आयोजन का होना बेहद जरूरी है। मेला आयोजक सरपंच प्रतिनिधि देवेंद्र यादव ने बताया कि विकलांग कुश्ती से जो विकलांग पहलवान है वो हताश ना हो और उनके मनोबल को बढ़ाने के उद्देश्य से इस बार विकलांग कुश्ती का आयोजन कराया। सभी पहलवानों को कुश्ती के बाद पुरस्कार देकर सम्मान किया गया। आप सब लोगों ने यहाँ पर तालाब के लिए, पानी के लिए, नहर के लिए मांग की थी और उसी समय हमने 2600 करोड़ रुपया का लोअर ओवर पर बांध के लिए रुपया स्वीकृत कर दिया था। आज लोअर ओवर बांध का काम चालू हो गया है। वर्तमान सरकार ने थोड़े पैसे की आवक रोकी है, पर आप चिंता मत करना, न तो ज्यादा पैसे की आवक रुक पाएगी और न ज्यादा सरकार रुक पाएगी अगर इस पैसे को रोका। करेरा से हरनारायण पाल की रिपोर्ट।